तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव कपूर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हैप्पी गार्डनर में। मेरे दोस्त मुझसे अक्सर ये आकर पूछते थे कि मैं कौन कौन से उपकरणों का यूज़ करता हूं अपनी गार्डनिंग के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर देता हूं अपने सारे टूल्स के ऊपर। ये मेरा फ्लोरा का वाटर स्प्रेयर, जिससे मैं इजिली अपने पेड़ों में पानी डाल सकता हूँ पानी की बचत के साथ। इसमें अलग अलग नोजल्स हैं जिनको मैं घुमा के सेट कर सकता हूँ और अपने पेड़ों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उनमें पानी डाल सकता हूँ। ये किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे या किसी भी नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। ये इसमें एक खटका है जिसको आप फंसा के पानी को लगातार उसकी धार को पेड़ों पे डाल सकते हैं। इसको हटाने के बाद आपको बार बार दबाना पड़ेगा पेड़ों में डालने के लिए। ये है मेरा वाटर स्प्रेयर, जिसका प्रयोग मैं अपने पेड़ों में फर्टिलाइज़र और दवाई डालने के लिए करता हूँ। इसको आप इस तरीके से इसमें प्रेशर क्रिएट करने के बाद इसके नोजल को दबा के अपने पेड़ों में आप दवाई डाल सकते हैं। अच्छा, ये है मेरी खुरपी, जिससे मैं अपने गमलों में जो सूखी मिट्टी हो जाती है उसकी गुड़ाई करता हूँ, या फिर खाद डालने के पहले मैं गुड़ाई करता हूँ। ये काफ़ी मुझे कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज़ इसके पीछे पकड़ने का जो हैंडल है उसमें रबड़ लगा हुआ है, तो हाथों को तकलीफ़ भी नहीं होती है। और जो आगे का जो पतला सिरा है मेटल का, उससे गुड़ाई काफ़ी अच्छे से हो जाती है। जो चौड़े सिरे वाली जो खुरपियाँ होती हैं, उससे जड़ों को नुकसान पहुँच जाता है। ये जो मैंने पुरानी पहले भी यूज़ करी हुई है, तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज़ किया था, और ये आपकी किसी भी नर्सरी में ये अवेलेबल होगा इजीली। ये शायद 80 से 100 रुपए का आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से मैं इसमें गुड़ाई कर पा रहा हूँ इस सूखी मिट्टी में। तो दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि नियमित तौर पे आपको अपने पेड़ों में प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग से क्या होता है, जो नई पत्तियाँ होती हैं वो आती हैं, जो पुरानी सूखी टहनियाँ होती हैं उनको आप काट सकते हैं। तो ये प्रूनिंग के लिए, ये देखिए मेरा ये प्रूनर है और काफ़ी ये कंफर्टेबल है। ये मैंने अमेज़ॉन से ये परचेज़ किया था, काफ़ी सेफ़ है। थोड़ा सा मैं ये इंश्योर ज़रूर करता हूँ कि अपने पेड़ों की प्रूनिंग करने के पहले और उसके बाद में मैं इसके ब्लेड्स को किसी एंटीसेप्टिक से या डिटॉल से साफ़ कर देता हूँ कॉटन से, जिससे कई बार पेड़ों में इन्फेक्शन होता है जो दूसरे पेड़ों में फैल जाता है, तो इससे उसका बचाव हो जाता है। अच्छा, ये मेरे ग्लव्स हैं। वैसे तो गार्डनिंग का मज़ा बिना मिट्टी में हाथ डालकर नहीं आता है, पर फिर भी मैं ये आपको एडवाइस करता हूँ कि गार्डनिंग ग्लव्स आप ज़रूर पहन के रखें, जिससे आपके नाखूनों में मिट्टी ना जाए और आपके हाथ में कोई कीड़ा ना काट ले। एक बार मेरे हाथ पे खन खजूरा काट चुका है, इसलिए मैं भुगत चुका हूँ उस चीज़ को। मेरे कई इंजेक्शंस लगे थे उस खन खजूरे के काटने के बाद। तो मैं आपको ज़रूर से एडवाइस करूँगा कि आप इन ग्लव्स को पहन के रखें अपनी गार्डनिंग करते समय। और ग्लव्स को पहनने के बाद आप मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं। आप दवाई डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, इनफैक्ट आप जो मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले हैं उनको आप छोटा कर सकते हैं। तो आसानी से बिना किसी कीड़े के डर से या बिना इस मिट्टी को नाखून में जाने के डर से आप इसको आसानी से छोटा छोटा कर पा रहे हैं। देखिए, और अंत में ये वाटर स्प्रिंकलर है, ये 5, 10 और 15 लीटर के साइजेस में आता है। ये मेरा 10 लीटर का है, और इसको इसमें एक बार पूरा इसको भरने के बाद मैं कम से कम अपने 15 से 20 गमलों में पानी डाल देता हूँ। और इसमें देखिए आगे ये अलग से एक एक्सटेंशन भी है, अगर आपने स्प्रे के फॉर्म में डालना है, स्प्रिंकल के फॉर्म में डालना है, तो आप इसको लगा दीजिए, अन्यथा आप इसको निकाल दीजिए, तो एक धार से आप पानी डाल सकते हैं अपने गमलों में। ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे टूल्स अच्छे लगे हों, तो आप अमेज़ॉन से या कहीं से भी इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।